हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिव्यांगों की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर दिया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जोधपुर में सामान्य श्रेणी दिव्यांगों की बकाया छात्रवृत्ति दिलवाने की मांग को लेकर मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह कांगटा ने बताया कि दिव्यांग छात्रों को पिछले 2016-2017 और 2017-2018 में बीएड कोर्स की छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 2 सालों से सामान्य श्रेणी के दिव्यांगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। सन 2016-2017 में समाज कल्याण विभाग के निर्देश अनुसार दिव्यांगों से छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए गए, लेकिन किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण समाज कल्याण विभाग कार्यालय में पता किया तो ज्ञात हुआ कि सामान्य वर्ग के लिए बजट ही नहीं आया है। इसके बाद वर्ष 2017-2018 में सामान्य श्रेणी के दिव्यांगों से समाज कल्याण विभाग ने ऑफलाइन फॉर्म लेने से ही मना कर दिया तथा एनसीपी और ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए। चूंकि बीएड प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने के कारण पोर्टल पर आवेदन नहीं किया जा सका और जब तक परीक्षा परिणाम जारी हुआ तब तक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी थी। ज्ञापन में बताया कि सामान्य श्रेणी के बीएड कर रहे दिव्यांगों को पिछले 2 सत्र की छात्रवृत्ति राशि 54,000 रुपए प्रति छात्र नहीं मिलने पर उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देते समय अमर सिंह, दशरथ सिंह, अविनाश चारण, हुक्मा राम जाट, शिवपाल पुरी, प्रकाश मेघवाल, भीखा राम पुनिया, बाबूदान चारण, प्रेमा राम देवासी, ओपा राम पटेल, भाकर राम, तेजा राम आदि दिव्यांग विद्यार्थी उपस्थित थे। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान इनकी छात्रवृत्ति शुरू की थी, विकलांगों के लिए जो भी दिव्यांग है इनके लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई थी, उसको भी सरकार ने और नहीं कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना तो दूर की बात है, जो दी हुई थी उसको रोक दिया और इनकी अब आर्थिक स्थिति की कमजोर है, ये कमाने के स्थिति में है नहीं, तो घर वाले भी परेशान और ये भी परेशान है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी शीघ्र मांग सुनी जाए और नहीं तो आमजन मिलकर इनकी मांग के साथ में आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जवाबदारी सरकार व प्रशासन की होगी। लगभग लगभग कितने छात्र हैं यहाँ पे जिनको समस्या का? ये जोधपुर के अंदर करीबन 150-200 छात्र हैं, ये सारे संभाग इस जोधपुर के अंदर, तो 150-200 का तो जीवन बर्बाद करने के लिए सरकार तुली हुई है। तो हमारा निवेदन है कि इनकी जो छात्रवृत्ति है वो शीघ्र इनको जारी की जाए। आज आपने क्या किया? आज यहाँ मारवाड़ राजपूत सभा के बैनर तले और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर जो ये दिव्यांग है इनकी जो छात्रवृत्ति रोक दी गई थी उसकी मांग को लेकर शीघ्र छात्रवृत्ति वापस से इनको देने की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हाजिर हुए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।